हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे साउथ गोवा का स्टे और ये हमारा रूम है। अच्छी वार्डरोब दे रखी है, लगेज रखने का भी स्पेस है, साइड टेबल्स हैं, एक वर्किंग डेस्क भी है, एंड बेस्ट पार्ट तो वॉशरूम है। जो वॉशरूम नहीं है भाई, ये रूम ही है। हेलो, कैसा लगा? ओह, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज द साउंड ऑफ द वेव्स। तो ये हमारा कॉटेज है, ये भैया और दीका का है, और सबसे साइड वाला उधर वाला मॉम एंड डैड का है। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को तो दिखाया था रूम कैसा है, बाहर का भी दिखा नहीं पाया था आपको, अब दिखाता हूँ कैसी जगह है। ये है नज़ारे आपके अपने रूम से अगर आप बीच हट पर रुकते हो तो, ऑन अगोंडा बीच। ये इन्होंने यहाँ पे एक अच्छे साइज का इतना बड़ा डेक एरिया सा दे रखा है विद बीच हट्स। इसके बाद ये व्यू है भाई। तो भाई अगर साउथ गोवा में आ रहे हो तो इस जगह पे ज़रूर ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा रुको। बिल्कुल भाई, ब्लू वाटर मिलेगा तुम्हें, क्लीन बीचेस मिलेंगे, एंड गुड फूड एंड वेरी लेस क्राउड। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो उस केस में आप यहाँ आना और यहीं पर स्टे करना, बहुत मज़ा आने वाला है। ये है हमारा स्टे क्यूबा इन अगोंडा। इनके दो जगह और ऑप्शंस मिलेंगे आपको, पैलेलम में और पाटनेम में। यहाँ से मेन एंट्रेंस है और ये मेन रोड है जहाँ से एंट्रेंस है। पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पैच आपको दिख रहा है और इधर तक, ये पार्किंग एरिया है यहाँ के लिए। तो आप जब ऐसे जाते हो तो इधर आपको मिलता है रेस्टोरेंट। ये जो है ये मेन एंट्रेंस एरिया जो बीच की तरफ जाता है और बीच हट्स की तरफ जाता है। ये रिसेप्शन एरिया है, ये शंकर भैया है। सो ये एंट्रेंस है और ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है फिर से, तो काफ़ी अच्छा बनाया है और काफ़ी खुला खुला बनाया है। सो एक इधर लेफ़्ट की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ पर ये बीच हट्स हैं। 101 से 105 तक के बीच हट्स यहाँ पर हैं। ये बीच का सेंटर रास्ता है और ये राइट साइड पर अगेन 5 बीच हट्स वैसे ही हैं, 106 to 110। उसके अलावा ये कुछ और हट्स भी हैं जो पीछे बने हैं। ये 4 हट्स हैं और ये यहाँ से आपको सी व्यू दिखता है, पार्शियल सी व्यू है। ये व्यू आपको मिलेगा पीछे वाले हट से, और किसी भी हट पर चढ़ने के लिए रास्ते ऐसे बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ से मेन एंट्रेंस है अगर आपको अगोंडा बीच की तरफ या ओशन में जाना है तो उसके लिए। एंड कुछ बीच बेड्स यहाँ पे भी हैं, कुछ टेबल्स भी हैं वहाँ पे डिनर के लिए। इधर भी सिमिलरली बीच बेड्स बने हैं एंड कुछ टेबल, एक बीन बैग का भी यहाँ पे, इस जगह पे बीन बैग का भी सेटअप है। हम आ गए इसके बाद अगोंडा बीच पे। ये अगोंडा के बाहर वाला मार्केट एरिया है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे है कैफ़े, मंडाला कैफ़े के नाम से एक। ये दिस इज़ वेरी गुड, द राइनो के नाम से है। कपड़े की मार्केट है, हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं और अलग टाइप की पॉटरी एंड बैग्स भी मिल जाएंगे। भाई जो शौकीन लोग हैं उनके लिए भी बता दूँ, वाइन एंड बियर की शॉप भी पास में ही है, वो भी दो दो है। उसके अलावा आपको सिगरेट्स भी मिल जाएंगी, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सिगार्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सैलून भी यहीं पे है फॉर मैन ऑल्सो। दिस इज़ ऑल्सो वन अनदर न्यू जॉइंट जो खुला है यहाँ पे, कैफ़े ग्यार्डिनो आई थिंक इसका नाम है, और ये इनका मेन्यू है। तो आप यहाँ भी आ सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक दिस प्लेस आउट। तो रिजॉर्ट तो आपने देखा ही, जहाँ पे हम रुके हैं वो कैसी जगह है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अरमान जी से जो यहाँ के मैनेजर हैं। तो मॉर्निंग अरमान जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आप बताएं कैसे हो? बस सब ठीक ठाक। अच्छा, तो अब कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो व्यूअर्स हैं उनके। यहाँ कितने रूम्स होंगे एंड क्या फेसिंग होगा रूम का? बेसिकली हमारे पास 14 रूम्स हैं टोटल, 10 सी फेसिंग है और 4 पार्शियल सी फेसिंग है। ओके, इट लाइज बिटवीन 7000 टू 10000, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। यहाँ पे और क्या सर्विसेज एमिनिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर ये है कि रेस्टोरेंट प्रीमिसेस के अंदर ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एंड हमारे पास जो रेस्टोरेंट का सेटअप है आपको बीच साइड पे कैंडल लाइट डिनर भी मिल सकता है। शमीनास आर देयर, सनबेड्स आर देयर, एंड बाकी बोटिंग वगैरह रहती है, दैट इज including in all, you can, I can guide you regarding ये। बीच कैसा है यहाँ का? मतलब बीच ये अगोंडा बीच है, सबसे वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच है एशिया का, टर्टल बीच बेसिकली है ये। हाँ, ये कस्टमर्स अच्छे आ रहे हैं। Definitely, and जगह भी अच्छी है, so definitely उम्मीद करता हूँ अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं और जो कस्टमर्स like you are coming over here, so please thank you so much, most welcome sir, चलिए thank you so much, most welcome sir।
इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर कंटेंट पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल।